आर की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गरम मसाला। तो इसके लिए ये जावित्री के फूल हैं, कुछ तीन जायफल हैं, ये हरी इलायची है आधा बाउल से थोड़ा कम, आधा बाउल लौंग है और एक बाउल से कम काली मिर्चें हैं, एक बड़ा बाउल जीरा है और ये दालचीनी है आधा बाउल और आधा बाउल बड़ी इलायची है और ये कुछ तेज पाँच के पत्ते हैं। तो इस सामान को पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इनका मॉइस्चर निकल जाए। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। हवा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें अपना जीरा डाल के हल्का सा भून लेंगे। इसमें कलर नहीं आने देंगे, बस हल्का सा 1 मिनट के लिए इसे भूनना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। जीरा हो चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। अब दालचीनी भी 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो दालचीनी हमारी हो चुकी है तो ये हमने निकाल ली है। अब तवे पे लौंग भी सेक लेंगे। अब इनको भी निकाल लेंगे। काली मिर्च भी भून लेंगे। इसी तरह से एक एक करके हम अपने सारे मसालों को 1-1 मिनट तक भून लेंगे। अब ये भी भून चुकी हैं तो इनको भी निकाल लेंगे। अब बड़ी इलायची की बारी आती है। इनके हमने मुंह खोल दिए हैं ताकि ये जल्दी हो जाए, इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा रोस्ट करने में, और मुंह खोलने से ये जल्दी हो जाएंगे। और मसालों में 1 मिनट लगा, इसमें 2 मिनट लगेंगे। रोस्ट हो चुकी हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब हरी इलायची भी रोस्ट कर लेंगे। तेजपाच के पत्ते भी रोस्ट हो चुके हैं, जावित्री जायफल भी रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे। जायफल को तोड़कर रोस्ट करा है। तो सारे मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं, ये हमने पत्ते भी रोस्ट कर लिए हैं, आसानी से पिस जाएंगे अब ये। तो अब इनको ग्राइंड करेंगे। मसाला हमारा पिस चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गरम मसाले से, बहुत अच्छा गरम मसाला बना है हमारा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।